इसीलिए हुई थी, ये नहीं यार इसीलिए हुई थी, किस प्रकार से हम लोग काम करें अपने अपने वहां पे। अब भरोसा है वो साथ में मिलकर काम करेंगे, उनके लिए क्या रोल होगा? क्यों नहीं करेंगे, अगर पार्टी में वो हैं और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है, रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल है? हाईकमान कहता सर तुम्हें आप सरकार में शामिल करने को तैयार? मैं तो ये मानता हूँ कि मैं खुद कई बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मायने रखता है। जिंदगी में मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना हूँ, मैं आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है, ठीक है, और 3 बार जो है केंद्रीय मंत्री बनना ही मायने रखता है। तो मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है, सोनिया जी ने और राहुल जी ने मुझे विश्वास किया, प्रियंका जी का भी योगदान था, मुझे तो चांस दिए काम करने के। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला सहित शीर्ष केंद्रीय नेताओं के साथ सिद्धू मैया और शिव कुमार की घंटों लंबी बातचीत के बाद मंत्रियों के नाम तय किए गए हैं और पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने मंत्रियों की सूची पर अंतिम मुहर लगाई। इसमें दक्षिणी राज्य के जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश की गई है। कर्नाटक में मंत्रियों को अब तक विभाग का आवंटन नहीं किया गया है। हालांकि मंत्री के एच मुनियप्पा ने कहा है कि मंत्रियों को विभागों की घोषणा शनिवार शाम तक की जा सकती है। उनका एजेंडा दूसरा है, मेरा एजेंडा है सिर्फ राजस्थान की सेवा करना, राजस्थान में योजनाएं लागू करना, जो मैंने घोषणा करी है बजट के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो, ये मेरा एजेंडा है कि किस प्रकार मैं वहाँ विकास, चौमुखी विकास हो, सिंचाई हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे किसी वर्ग का मजदूर का हो, SC ST OBC या माइनॉरिटी के हो, किससे हो मुद्दे हो, मैं सबको कैसे निपटाऊँ वो मैं लगा हुआ हूँ। मुझे लगता है इस बार मैं सफल हुआ हूँ और जनता इस बार मुझे लगता है कि इस बार सरकार रिपीट कर सकती है। वैसे तो माए बाप जनता ही है, वो फैसला करेगी वो मैं मंजूर होगा। मुझे एहसास होता है जब मैं जाता हूँ दौरे में और जो लोग मुझसे मिलते हैं, जिस प्रकार से युवा मिलते हैं, महिलाएं सब मिलते हैं, अति उत्साह उन लोगों के अंदर है और मैं जगह जगह रुकता भी हूँ, बात करता हूँ उनसे, मीटिंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोग मुझे वापस रिपीट करके बताएंगे। चाहे वो कितने धन बल खर्च करेंगे ये BJP वाले, अभी भी ये भ्रमित करें लोगों को छोटी बातों को लेकर के, इनके बारे कहने को मेरे खिलाफ में, मेरी सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं, तो मेरा देव वो है। सचिन सहयोग करेंगे सर, सचिन सहयोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? सब क्या भरोसा दिया है उन्होंने अंदर मीटिंग में, सचिन ने क्या भरोसा दिया? मुझे क्या कमिटमेंट किया है उन्होंने? मुझे विश्वास है कि हाई कमांड के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे बताओ? हम विश्वास करके चलना चाहिए हम लोगों को, विश्वास देखिए, विश्वास जीता जाता है, देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। तो सोनिया गांधी ने एक बार कहा था यासी अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, उससे मिलेंगे काम करने के, पहले मिले भी है आगे भी मिलेंगे, इतना कहता हूँ। थैंक यू सर।